साहित्य जगत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय में संकलित पाठों पर आधारित श्रृंखला साहित्य जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आधुनिक काल के अंतर्गत स्वातंत्र्योत्तर युग में निबंध। निबंध ऐसी गद्य विधा है जो विचार परक और अनुभूति परक दोनों हो सकती है। विचार परकता उसे शास्त्र की ओर ले जाती है और अनुभूति परकता सृजनात्मक साहित्य की ओर। रामचंद्र शुक्ल के निबंध विचार परक हैं। वे अपने निबंधों में शास्त्र यानी काव्य शास्त्र का निर्माण करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अधिकांश निबंध सृजनात्मक साहित्य की कोटि में आते हैं। उनके अनेक श्रेष्ठ निबंध स्वातंत्र्योत्तर काल में भी निकले। नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, ठाकुर की बटोर आदि। वे अंतिम समय तक निबंध लिखते रहे। देवदारू और कुटज जैसे निबंध 1960 ईस्वी के बाद लिखे गए। द्विवेदी जी मूलतः सृजनात्मक या ललित निबंधकार हैं। उनका मन सबसे अधिक इसी विधा में रमा है, अतः उनके निबंधों पर यहां कुछ चर्चा कर लेना अप्रासंगिक ना होगा। द्विवेदी जी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। अपने अगाध पांडित्य को बोझ ना बनाकर सामान्य मनुष्य की तरह सोच समझ पाना एवं अनुभव कर पाना उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। वे हर जानकारी हर अनुभव को सामान्य मनुष्य के व्यापक हित की कसौटी पर कसते हैं। कालबोध उनके चिंतन की दूसरी विशेषता है, जिसे वे कई बार मनुष्य की जय यात्रा जैसे प्रयोग से प्रकट करते हैं। द्विवेदी जी वनस्पति, साहित्य, भाषा, इतिहास सब का प्रयोग करते हैं, जिससे उन सब को हम नए ढंग से पहचानने लगते हैं। द्विवेदी जी प्राचीन साहित्य और संस्कृति के पंडित हैं, फिर भी उनकी शैली बहुत सहज, अनौपचारिक और आत्मीय है। वे तद्भव ही नहीं ठेठ क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग भी धड़ल्ले से करते हैं। अज्ञे के अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कुट्टी चातन के उपनाम से उनके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं। अज्ञे ने साहित्य, कला, संस्कृति जैसे विषयों पर गंभीर निबंध भी लिखे हैं। निबंधों में उनका चिंतक रूप उभरा है। आत्मनेपद और भवंती उनके प्रतिनिधि निबंध संग्रह हैं। जैनेन्द्र ने अज्ञे से पहले इस प्रकार के गंभीर चिंतन परक निबंध लिखे थे। जैनेन्द्र जी बाद में भी निबंध लिखते रहे। रामवृक्ष बेनीपुरी और भदंत आनंद कौसल्यायन ने निबंध साहित्य की श्री वृद्धि की। बेनीपुरी जी सामाजिक उत्पीड़न से विक्षुब्ध होने वाले लेखक हैं, किंतु
उनके निबंध भाव प्रवण होते हैं, जबकि भदंत आनंद कौशल्यायन उन्हीं समस्याओं को तर्कपूर्ण और सीधे सादे किंतु प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। गुलाब राय, दिनकर, नगेंद्र, विनय मोहन शर्मा, विजयेंद्र स्नातक ने अधिकांशतः साहित्यिक निबंध लिखे। इंद्रनाथ मदान ने व्यक्तिपरक निबंध लिखे। इस युग के निबंधकारों में 1921 से 1995 के मध्य हरिशंकर परसाई ने व्यंग्य परक निबंधों को अपूर्व प्रतिष्ठा दी। उनके निबंधों के विषय प्रायः राजनैतिक और सामाजिक होते हैं। व्यंग्य निबंधों में इतनी पैनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय हिंदी में दुर्लभ था। उनके व्यंग्य निबंधों में व्यंग्य का साहित्यिक प्रतिमान स्थापित हुआ। व्यंग्य भी गंभीर साहित्यिक विधा में गणनीय हुआ। वस्तुतः स्वातंत्र्योत्तर भारत की मानसिकता यदि कहीं निबंधों में व्यक्त हुई है तो परसाई के निबंधों में। शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, रविंद्रनाथ त्यागी ने भी श्रेष्ठ व्यंग्य निबंध लिखे हैं। आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर संपूर्णानंद, राहुल सांकृत्यायन के अधिकांश निबंध सांस्कृतिक विषयों पर हैं, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध राजनीतिक या संस्मरणात्मक हैं। क्रांतिकारियों के जीवन से संबंधित संस्मरण लिखने के लिए बनारसीदास चतुर्वेदी दीर्घकाल तक हिंदी पाठकों द्वारा कृतज्ञतापूर्वक स्मरण किए जाएंगे। पत्रकार की भाषा कितनी सटीक चुस्त हो सकती है, ये चतुर्वेदी जी के निबंधों की भाषा शैली से जाना जा सकता है। नामवर सिंह के व्यंग्य परक निबंधों का एक संकलन बकलम खुद के नाम से प्रकाशित हुआ। धर्मवीर भारती का फुटकल निबंध संग्रह ठेले पर हिमालय शीर्षक से छपा। विद्यानिवास मिश्र प्राचीन भारतीय साहित्य के अधिकारी विद्वान हैं। उनके ललित निबंधों में विद्वता एवं सर्जना का सुखद योग हुआ है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आदि उनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। विवेकी राय और कुबेरनाथ राय के निबंध सांस्कृतिक विषयों पर होते हैं। उनके निबंधों में लोक जीवन की ताजगी मिलती है और उसका आकर्षण भी। आधुनिक काल के अंतर्गत स्वातंत्र्योत्तर युग में निबंध। साहित्य जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर संध्या सिंह, डॉक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचंद राम। आलेख विश्वनाथ त्रिपाठी। वाचन स्वर नीरज यादव और पोर्शिया मुखर्जी। कार्यकारी निर्माण प्रभुदयाल खट्टर। ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।